जी बेटे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। यस बेटे आपको आवाज आ रही है? शेयर सर आ रही है। करनी है। इतने कमी में बात करना था लेकिन वो तो ठीक है लेकिन है ड्यूड मिल रही है। जी बेटे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा सीआर साहब का नाम क्या है? आप मोहम्मद असद नजीर सर। असद नजीर साहब बोल रहे हैं? नहीं सर, मैं अब्दुल रशीद। ये तकरीबन 14 लोग शामिल हो गए हैं तो हमारी क्लास में हैं कितने? 16 स्टूडेंट्स सर। सिक्सटीन सर। बेटे मैं भूलना चाहूँ आप लोग सब ना जो कमेंट्स वाला सेक्शन है वहां जाके एक दफा अपना रोल नंबर नाम और अस्सलाम वालेकुम या प्रेजेंट सर या इस तरह का ना एक आध कमेंट दे दें ताकि वो एक अटेंडेंस हो जाए आपकी। साथ ही जो गूगल क्लासरूम है ना उसमें आप आ गए हैं कि नहीं अभी? यस सर। यस सर, उसमें आप ऐड है। आपने इतना लिखना है मैं वहां आपको ना एक कमेंट भेजता हूँ अभी। सर नहीं अभी नहीं ऐड हम उसमें। कोई बात नहीं बाद में हो जाएंगे कोई बात नहीं। देखिए अच्छा बेटे मैंने आपको ना एक कमेंट वहां भेजा है गूगल क्लासरूम में। वहां मैंने लिखा है पोस्ट अटेंडेंस हियर साथ मैंने आज की यस डेट। सर। आपने सिर्फ इतना करना कि अपना रोल नंबर नाम लिख के साथ लिख देना प्रेजेंट सर या यस सर या ओके सर ठीक है ना या अस्सलाम वालेकुम ठीक है। तो यस सर, जो है ना ठीक है सर, गूगल लिख देंगे। क्लासरूम वाला मैंने इसलिए किया उसमें जो अटेंडेंस होगी ना वो आपकी वो जरा ज्यादा सिक्योर है वहां लिस्ट बन जाती है तो इधर यस वहां सर। चैट रिकॉर्ड में नहीं रहती तो फिर वो बड़ा मसला बनता है। दूसरा ये है कि इसका जो है ना पासवर्ड वो सारी क्लासों के पास है तो आपकी क्लास में कोई और भी एंटर हो सकता है तो फिर मुझे वो निकालने में कि कौन सा बच्चा ही रेलिवेंट है वो मुझे बड़ा मसला होगा।
इसलिए यहाँ भी लगाएं वहां भी लगाएं ताकि कोई मसला ना रहे। ओके सर। तो मैंने ये आपके साथ ना एक स्लाइड शेयर की, नजर आ रही है आपको? यस सर। जी सर नजर आ रही है। अच्छा इसमें बेटे ये आपको नजर आ रहा है कोर्स टाइटल है ये अप्लाइड लिमनोलॉजी का, इसमें ये सिलेबस, ये आपको मैंने वो जो है ना आपकी यूनिवर्सिटी की पोर्टल वहां भी सेंड किया हुआ, ये आपने देखा वहां पे? हेलो जी सर, अभी चेक कर लेते हैं। जी जी सर, मेरी बात सुने सीआर साहब और जीआर साहब जो ना अपना माइक ऑन रखें, बाकी स्टूडेंट बेशक बंद कर लें, लेकिन अगर उन्होंने कोई बात करनी हो, कोई बात पूछनी हो, क्वेश्चन करना हो तो वो माइक को उसी वक्त ऑन करें और वो क्वेश्चन करें, क्योंकि अगर सबके माइक खुले रहे ना तो फिर शोर हो जाएगा, फिर आपको बात समझ नहीं आएगी। ओके सर। तो जो सीआर और जीआर साहब हैं ये अक्सर मुझे रिस्पांस देते रहे कि मिसाल के तौर पर जी सर, ओके सर, यस सर, दरमियान में ना थोड़ा बहुत वो बोलते रहें ताकि ये अंदाजा रहे कि बात ठीक हो रही है। तो ये बेटे मैंने आपको भेजे हुए हैं सारे, ये जो है ना अपना ये वाला पेज, इसमें ये आप कह लें कि 5 चैप्टर हैं किस्म के, तो 7 इसके प्रैक्टिकल भी मैंने लिखे हुए हैं, हमने इसमें से काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, जो रह गया है वो हम पढ़ लेंगे, इसलिए कोई ऐसी परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? ठीक है सर। तो मसलन देखें ना इसमें ये डिफरेंस बिटवीन मेराइन एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ये आपने बड़े अच्छी तरह से किए हुए हैं, याद है आपको? हाँ जी सर, वो असाइनमेंट का एक टॉपिक था इसके ऊपर, जोनेशन इन लेक एंड मेराइन एनवायरनमेंट, ये भी आपने किया हुआ है। और ये टेम्परेचर और ये केमिकल में आता है डिजॉल्व गैसेस है, फिर मैनेजिंग हाई पीएच इन फ्रेश वाटर पॉन्ड्स है, सैलिनिटी है, डिजॉल्व सॉलिड्स हैं, इसमें जो भी चीज़ आपको तंग करने वाली है हम करेंगे डिस्कस इंशाल्लाह तफसील से, ऐसी परेशानी की बात कोई नहीं है इसमें। फिर ठीक है सर, आप देखें ये कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, फॉस्फोरस साइकिल है, साथ इसके वाटर साइकिल है, ये भी क्लियर कट आपको पता है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है, ऐसे ही है? हाँ जी सर। और फिर इसमें ये न्यूट्रिएंट लिमिटेशन है, जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम ये एज ए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इसके अलावा और भी हैं लेकिन सिलेबस में 3 ही हैं। ठीक सर। और इसी तरह आप देखें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें कोबाल्ट है, जिंक है, मैंगनीज है। तो इसी तरह जो पानी का फिजिकल एनवायरनमेंट है उसमें अपना साथ केमिकल एनवायरनमेंट भी इसमें स्टडी करते हैं, जियोलॉजिक फीचर्स, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, हेटरोट्रॉफ्स, ह्यूमन इंपैक्ट ऑन लेक्स एंड वेटलैंड्स, ये जो लिखा हुआ है ना इसके, इसको आपने देखे परेशान नहीं होना, ये पता आपको क्या है ये? जी सर, वो जो आपने हमें दिए थे ना वो हैंडआउट्स, उसके अंदर ये दिए हुए हैं, मुताबिक है, इसमें 1% भी परेशानी नहीं है मेरे भाई, ये उसके एन मुताबिक है। तो मैंने सिर्फ आपको ये बताना ये है कि आपने इन इनको देख के परेशान नहीं होना। फिर देखें ओरिजिन ऑफ लेक्स, ऑर्गेनिज्म इन लोटक सीरीज, लैंटिक सीरीज, प्लांट्स, एनिमल्स, फंगल, नॉन फंगल प्लांट, एल्जी, हायर एक्वाटिक प्लांट्स, लिमनोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन, एक्वाटिक बायोम्स, प्लैंकटन, नेप्टून, अडाप्टेशन ऑर्गेनिजम्स इन रिलेशन टू वेरियस, ये बेटे आपने सारा ना अपनी पोर्टल से देख लेना है। तो जो चीज़ें भी आपको हैं तंग करने वाली वो मुझे बता देनी है, वो हम हर ये आने वाले जो दिनों में लेक्चर होने हैं हमने यही कुछ तो करना है। ठीक है? ठीक है सर। और ठीक है सर। फिर आप देखें कि जो प्रैक्टिकल हैं वो कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ रूटेड एंड सबमर्ज एंड फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, ये जाहिर है कलेक्शन तो अब फील्ड में जाकर नहीं होगी मौजूदा हालात में, ये हम नेट पे कुछ कलेक्शन कर देंगे। ठीक है जी। ठीक है सर। और फिर कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ एनिमल लाइफ, प्लांट्स, प्लैंकटन एंड नेप्टून, इनकी कलेक्शन हो जाएगी। और फिर स्टडी ऑफ एक्वाटिक अडाप्टेशन इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, अडाप्टेशन क्या है ये वाला जो है ना, ये हम आज डिस्कस कर लेते हैं, ये एक्वाटिक अडाप्टेशन वाला अभी कर लेते हैं।
फिर फील्ड ठीक है सर फीडर्स टू स्टडी थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन, ये वाला भी हमने किया हुआ है। जी सर फिर फील्ड विजर्स टू स्टडी जोनेशन इन लेक एंड मेराइन, ये वाला भी हमने किया हुआ है, दोबारा भी कर लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो आपको अंदाजा हो गया ना कि हमने तकरीबन आधा काम तो किया हुआ है। जी सर तो एक मैं ये आपके लिए मैंने और निकाला हुआ है, वो ये आपकी स्क्रीन पे आया आया कुछ के नहीं, सैलिनिटी एंड वाटर क्वालिटी नजर आ रहा है आपको? नो सर, अभी तो पहले वाली स्लाइड ही है। अच्छा अच्छा ठीक है, देखता हूँ। आप आपको स्क्रीन नजर आई है नई? नो सर, अभी तो नहीं आई। नई स्क्रीन नजर नहीं आई? नो सर, अभी वही स्लाइड है जो पहले वाली थी, कोर्स कंटेंट वाली। अच्छा एक मिनट, सर आ गई है। अच्छा चलो शुक्र है आ गई है। बेटे मैं फिर वो आज का लेक्चर शुरू करता हूँ। ये आपका एक किस्म का ना प्रैक्टिकल भी है, आपकी ये थ्योरी भी है। ये है क्या आज के लेसन में, इसमें हम रिव्यू करेंगे, इसमें स्टडी करेंगे अडाप्टेशंस और उसकी एग्जांपल्स, और हम स्पेशली एक्वाटिक एनिमल्स को अपने सामने रखेंगे, उनकी एग्जांपल्स हम स्टडी करेंगे, क्योंकि हमारा सिलेबस लिमनोलॉजी है, तो इसमें हमने वाटर बॉडीज को स्टडी करना है। वी विल कवर हाउ एक्वाटिक एनिमल्स यूज अडाप्टेशंस टू रेगुलेट सैलिनिटी, के एनिमल्स सैलिनिटी को रेगुलेट करने के लिए क्या अडाप्टेशंस रखते हैं, और इसी तरह टेम्परेचर को और इसी तरह ऑक्सीजन के लेवल्स को अपनी बॉडी में कैसे मेंटेन रखते हैं एक्वाटिक एनवायरनमेंट्स में। आवाज में ये आ रही है? ठीक है सर। जी सर बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है। और स्क्रीन के ऊपर जो लिखा हुआ वो नजर भी आ रहा है आपको? जी सर नजर आ रहा है। शुक्र है, फिर तो ये बड़ी अच्छी नजर आ रहा है। हाँ शाबाश। अच्छा बेटा ये देखें अडाप्टेशन क्या है। देखें कि मोस्ट एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स हमारी ज़मीन पे मौजूद हैं, कहीं शदीद सर्दी है, कहीं शदीद गर्मी है। हॉट एनवायरनमेंट्स लाइक सहारा डेजर्ट, ये साथ साथ आप चलें अडाप्टेशन पढ़ रहा हूँ कि जो सहारा डेजर्ट है, जो कि आपको पता कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, वहाँ मौसम बड़ा गर्म है, और इसी तरह दूसरी एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट्स की है जो कि अंटार्कटिका में है, वहाँ साउथ पोल की तरफ अक्सर आइस कवर्ड लैंड मासेज हैं जिनको हम अंटार्कटिका कहते हैं, वहाँ सारा साल बर्फ जमी रहती है। यानी ज़मीन के ऊपर कहीं बड़े गर्म इलाके हैं, कहीं बड़े सर्द इलाके हैं। ताहम जो पानी है उसके अंदर भी कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस आती हैं, और ओपन ओशन जो हैं वो कहीं बड़े गहरे हैं, बड़े डार्क हैं, और बड़ी ज़्यादा उनमें
वो कह लें कि टेम्परेचर डाउन है, कोल्ड है, जैसे जैसे समुद्र गहरा होता है। और इसी तरह जो रिवर्स हैं वो रश करते हैं, उनका पानी चलता है, बड़ी जल्दी में पानी चलता हुआ नजर आ रहा होता है दरिया का, रिवर्स का। ऐसे लगता है जैसे पानी को कहीं पहुंचने की बड़ी जल्दी है, और फिर वो चलते हुए पानी गुजरता है मुख्तलिफ चट्टानों के ऊपर से, पत्थरों के ऊपर से। ये जो लिखा ना लफज BOULDERS, बोल्डर, इसका मतलब ये है कि लार्ज रॉक, यानी काफी बड़ा पत्थर जिसको इंसान जी के लिए हिलाना बड़ा मुश्किल सा हो, तो उसे हम कहते हैं। जो छोटे पत्थर होते हैं उनको पैबल्स कहते हैं। तो दरियाओं में पानी चलते हुए गुजरता है मुख्तलिफ जगहों से, और फिर देखें, व्हेन यू थिंक अबाउट इट माइट फील सरप्राइजिंग दैट एनीथिंग कुड लिव देयर। ऐसे एनवायरनमेंट्स में लाइफ मौजूद है, मुख्तलिफ स्पीशीज मौजूद हैं। एनिमल्स हाउएवर हैव इवॉल्व्ड स्पेशल ट्रेट्स। ऐसे एनवायरनमेंट्स में, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में और नॉर्मल एनवायरनमेंट्स में, एनिमल्स ने स्पेशल ट्रेट्स को डेवलप किया ताकि वो सरवाइव कर सकें अपने हैबिटेट में, अपने एनवायरनमेंट में। तो इस चीज़ का नाम अडाप्टेशन है, यानी एनिमल अपने हैबिटेट के एनवायरनमेंट को एडजस्ट कर ले, तो इसी का नाम अडाप्टेशन है। ये बात समझ आई आपको? जी सर, बिल्कुल समझ आ गई। आज हम कुछ जो है ना स्पेसिफिक किस्म की अडाप्टेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि एनिमल किस तरह सरवाइव करते हैं फ्रेश वाटर में, जैसा कि रिवर्स हैं, लेक्स हैं, और साल्ट वाटर में, जैसा कि ओशन है। रिवर जो है इनका एनवायरनमेंट ऐसा है कि जिसमें फ्रेश वाटर है और साल्ट बहुत थोड़े होते हैं। रिवर के पानी की सैलिनिटी, साल्टी कंडीशन बड़ी थोड़ी होती है, जबकि जो मेराइन वाटर है उसमें 35% तक साल्ट होता है, बहुत ज़्यादा साल्टी होता है, उसका हम एक घूंट भी नहीं पी सकते, इतना साल्ट होता है। तो एनिमल्स कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हैं? तो पहली बात यह है कि सैलिनिटी, यानी ये जो सैलिनिटी है ये भी आपको नज़र आ रही है ना, हाँ जी सर, नजर आ रही है। तो ऑल लिविंग नीड्स टू बी इन बैलेंस। तमाम लिविंग थिंग्स अपने आप को बैलेंस में रखती हैं, विच इज ए फैंसी वर्ड नोन एज होम्योस्टेसिस। हर चीज को एनिमल्स अपनी बॉडी में एक रेंज में रखते हैं, इसका नाम होम्योस्टेसिस है। यानी अगर बॉडी की पीएच की बात करें तो एनिमल्स के अंदर पीएच की एक रेंज है, जैसा कि हमारे ब्लड की एक रेंज है पीएच की, उसके अंदर ही अगर ब्लड रहेगा तो वो ठीक है, अगर रेंज से निकल जाएगी पीएच तो कोई ना कोई गड़बड़ हो जाएगी। इसी तरह हमारे टेम्परेचर की रेंज है, इस तरह बॉडी फ्लूड की, इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के जो आयंस हैं उनकी रेंज। तो बॉडी हमारी हर चीज को विद इन रेंज रखती है, इसका नाम होम्योस्टेसिस है। तमाम एनिमल्स की बॉडी के तमाम ऑर्गन्स होम्योस्टेसिस के लिए काम कर रहे होते हैं। किडनी अगर काम कर रहे हैं तो उनका फंक्शन ये है कि ब्लड की प्योरिफिकेशन करें, उसमें से अनवांटेड चीज़ों को निकाल दें, और इसका अल्टीमेट मकसद यही है कि जो ब्लड की कंपोजिशन है वो विद इन रेंज मेंटेन रहे। तो होम्योस्टेसिस को समझने के लिए हमें जो प्रोफेसर डॉक्टर गाइटन है उनकी ह्यूमन फिजियोलॉजी की बुक, वो पूरी की पूरी होम्योस्टेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए लिखी गई है। उसमें इंसानी बॉडी के हर ऑर्गन को बड़ी डिटेल से, उसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन वो बताया गया है। तो होम्योस्टेसिस का लफ्ज़ इतना मामूली लफ्ज़ नहीं है, और इसको मेंटेन रखना लाइफ को सस्टेन रखने के लिए बड़ा ज़रूरी है। जब कहीं आपका कोई ऑर्गन काम करना छोड़ता है तो असल में वो होम्योस्टेसिस आपका डिस्टर्ब हो जाता है और फिर डेथ हो जाती है। आजकल जो मसला है उसमें भी यही प्रॉब्लम आ रही है कि
जो ऑक्सीजन लेवल है कोरोना वायरस का जिन पर अटैक हो चुका है, वो कोरोना उनके लंग्स को डैमेज कर देता है। लंग्स के अलावा वो बॉडी के किसी भी ऑर्गन तक पहुंच के उसको डैमेज कर सकता है। कोरोना का जो है ना मोड ऑफ एक्शन वो मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स में मुख्तलिफ है, तो अगर वो लंग्स को डैमेज करता है तो बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलती, ऑक्सीजन का सेचुरेशन लेवल कम होता है तो बहुत जल्दी डेथ हो जाती है। तो यानी असल में होता क्या है कि होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं रहता। लेवल ऑक्सीजन का हमारी बॉडी में 90 से अबव रहना चाहिए, 90 से जब डाउन आता है तो वो होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं रहता और डेथ हो जाती है। तो ऑर्गेनिज्म जो है उनको राइट अमाउंट में पानी की, साल्ट की और फिर सही टेम्परेचर की जरूरत है सर्वाइव करने के लिए। यानी हमें जिंदा रहने के लिए बड़ी सही मिकदार में पानी की और नमकियात की और टेम्परेचर की जरूरत है। इंसानों की अगर आप बात करें तो हमारी भी एक रेंज है जिसमें हम रहते हैं आसानी से। मिसाल के तौर पर अगर टेम्परेचर है ना 15 से लेके तकरीबन 25 तक, जो 10 की रेंज है, तो जी सर, 15 तक, इसमें इंसान बड़ा इजी फील करते हैं। लेकिन जब ये टेम्परेचर ज्यादा होता है, 35 से ऊपर जाता है, तो हमें बड़ी गर्मी फील होती है, और जब 10 से नीचे आता है तो बड़ी सर्दी फील आती होती है, जब 0 से नीचे जाता है तो फिर तो वो सर्दी खासकर जो बूढ़े लोग हैं उनसे बर्दाश्त नहीं होती। तो ये एक जी रेंज है सर, टेम्परेचर की जो हमारे लिए कह लें कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए जरूरी है। अडाप्टेशन जो मेंटेन करती हैं इस बैलेंस को, अडाप्टेशन ही इस बैलेंस को मेंटेन करती हैं। और मेजर प्रॉब्लम जो है ना किसी भी एक्वाटिक एनवायरनमेंट की, वो ये है कि उसमें क्या सैलिनिटी है, पानी के अंदर साल्स कितने हैं। इफ द एनवायरनमेंट हैज टू मच साल्ट, अगर बहुत ज्यादा साल्ट हैं, एनिमल विल लूज वाटर एंड गेट डिहाइड्रेटेड। एनिमल पानी को लूज करेगा और पानी के लूज करने से एनिमल के अंदर डिहाइड्रेशन हो सकती है। इफ देयर इज टू लिटल साल्ट, अगर पानी के अंदर साल्ट कम है, एनिमल विल टेक अप लॉट्स ऑफ वाटर, तो एनिमल ज्यादा पानी ले लेगा एंड देयर सेल्स कैन एक्सप्लोड, और एनिमल्स के अंदर इतना पानी आ जाएगा कि वो फ्लडिंग सी हो जाएगी उसकी बॉडी में। तो अब एनिमल जो हैं जो 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 रहते हैं मेराइन एनवायरनमेंट में, उन्होंने ज्यादा साल्ट से कैसे अपने आप को बचाना है, और जो एनिमल रहते हैं फ्रेश वाटर में उन्होंने ज्यादा पानी से कैसे अपने आप को बचाना है, इसी यानी चीज को मेंटेन रखने का नाम है अडाप्टेशन, के एनिमल अपने अंदर क्या चेंजेस पैदा करेंगे। इसको समझने के लिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, एक और है ये, एक स्लाइड नजर आई है आपको? हाँ जी सर, फिशेज वाली है। हाँ, इसमें बेटे असल में वो ऑस्मो रेगुलेशन जो है ना साल्ट वाटर फिश में एक्सप्लेन कर रहा है, डायग्राम में, ब्लू डायग्राम में, और जो कदरे ग्रीन डायग्राम है उसमें ऑस्मो रेगुलेशन फ्रेश वाटर फिश में शो कर रहा है। अब आप देखें कि ये जो एरो हैं इनकी मोटाई का फर्क है, कहीं ये दरमियाने से साइज के हैं, इधर आप देखें तो ये जरा नैरो से हैं, पतले से हैं, इधर आप देखें तो ये जरा इनकी जो बेस है वो काफी वाइड है, ये कहने के नजर आ रहे हैं आपको। हाँ जी सर, नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये मिकदार को शो कर रहे हैं कि अगर पतले हैं तो कम मिकदार में, अगर ज्यादा हैं तो ज्यादा मिकदार में। अब देखें मसलन ये जो है ये साल्ट वाटर फिश हैं, तो गेन ऑफ वाटर करती हैं, साल्ट करती हैं फ्रॉम फूड, यानी पानी इनकी बॉडी में और आयन्स साल्स इनकी बॉडी में फूड से आता है मुंह के जरिए, ठीक है, और फिर गेन ऑफ जी वाटर एंड ठीक, साल्स फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर। यानी आप कह रहे हैं कि जो पानी पीती हैं उनमें भी ये साल्स इनके अंदर जाते हैं, और ये जो खाना खाती हैं उसमें भी ये साल्स इनकी बॉडी में जाते हैं। ये बात समझ आ गई? जी सर, ये वाला जो एरो है ये पानी के लिए है व्हाइट कलर का, ये वाला एरो है साल्स के लिए।
इसमें एक्सकेविशन ऑफ साल्ट आयंस फ्रॉम गिल्स है, तो ये क्योंकि रहती है मैराइन एनवायरनमेंट में, तो जो साल्ट हैं वो ये गिल्स के जरिए निकालती है, पानी को भी गिल्स के जरिए निकालती है, और एक्सक्रीशन में ये साल्ट आयंस एंड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ वाटर इन सेकेंडरी यूरिन, यानी ये एक्सक्रीशन में भी साल्ट निकालती है और वाटर को भी निकालती है। अगर आप इधर देखें, ये जो फ्रेश वाटर फिश है, तो इसका ये वाला जो एरो है ना, एक्सक्रीशन वाला वाटर का जो एरो है, ये कितना वाइड है, यानी ये ज्यादा पानी निकालती है, क्योंकि ये फ्रेश वाटर में है, इसके अंदर इसकी बॉडी में पानी की फ्लडिंग ज्यादा है, फ्रेश वाटर में जो रहती है, तो इसको जी सर पानी से कह लें कि छुटकारा चाहिए, तो ये एक्सक्रीशन में पानी ज्यादा निकालती है। लेकिन ये वाली जो फिश है, इसकी बॉडी में पानी की फ्लडिंग नहीं है, उसकी वजह क्या है कि ये वाली फिश तो है मैराइन एनवायरनमेंट में, इसकी बॉडी में उतने साल्ट नहीं है जितने मैराइन एनवायरनमेंट में हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि साल्ट उधर जाते हैं जिधर, सॉरी वाटर उधर जाता है जिधर साल्ट ज़्यादा हों। इसकी बॉडी जो है उसमें से तो पानी वैसे ही इसकी बॉडी में मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना सर। इधर ओस्मोटिक वाटर लॉस लिखा हुआ है, वो दूसरे में तो नहीं है, बस इसी में होता है ये? हाँ, ये जो है ना, दोनों का फर्क है, ये दोनों की फिजियोलॉजी समझाने की कोशिश की गई है। असल में बात ये है कि जो एनवायरनमेंट है ना दोनों का, फ्रेश वाटर का और जो मेरेन का, उसमें जो मेन फर्क है वो साल्ट का है जी सर। एक तरफ साल्ट बड़े थोड़े हैं, एक तरफ साल्ट ज्यादा हैं, तो कैसे फिश ने अपने आप को एडजस्ट करना है, ये वो समझाने की कोशिश कर रहा है। आप देखें इधर भी है, ये ऑस्मोटिक वाटर गेन थ्रू गिल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी गिल्स के जरिए कह लें कि वो पानी को गेन कर रही है, पानी को इधर से पी भी रही है और फिर वो काफ़ी मकदार में बाहर निकाल रही है, क्योंकि ये फ्रेश वाटर है, इसके पास पानी ज़्यादा है बॉडी में, इधर ये थोड़ा निकाल रही है क्योंकि ये कह लें कि इसकी बॉडी में इतना पानी नहीं है। ये देखें ना, ये वाला जो है ना, इधर आप फर्क समझे ना, ये वाला जो एरो है ये बाहर को जा रहा है, इधर जो एरो है ये अंदर को आ रहा है, ठीक है सर, ये फर्क समझे जरा। और ये जो एरो हैं, इनकी मोटाई को देखें और इनके इन एंड आउट को देखें, तो फिर वो बात जो है ना वो समझ आएगी। इसकी पिक ले लें अगर मोबाइल आपके पास है तो। सर ले लिए स्क्रीनशॉट। हाँ, तो अब मैं दोबारा उधर जाने की कोशिश करता हूँ। आ गई है वही स्क्रीन जी सर, सिलिनिटी वाली आ गई है। अच्छा आप देखें, हमें साथ जरा टाइम को भी देखना पड़ेगा, ये मैं थोड़ा सा टेम्परेचर के बारे में आपको बता दूं। देखिए टेम्परेचर जो है ना, ये एक बहुत बड़ा एक कह लें कि ऐसा फैक्टर है जो तमाम एनिमल्स के ऊपर असरअंदाज होता है, ठीक है जी सर। तो इसमें क्या है कि जब आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लगे तो आप क्या फील करते हैं, आप जानते हैं कि आप आपकी बॉडी शिवर करती है, बॉडी कांपती है, बॉडी के कांपने के नतीजे में हीट प्रोड्यूस होती है और वो हीट आपको वार्म रखती है। शदीद सर्दी में कभी आप मोटरसाइकिल चलाएं ना, तब भी आपकी बॉडी कांपना शुरू कर देती है। उसका मकसद ये होता है कि कांपने से जो एनर्जी जनरेट होती है वो एनर्जी आपकी बॉडी को वार्म रखती है 37 पे। तो अगर ये शिवरिंग ना हो, आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, बड़ी ठंडी हवा है, तो अगर ये शिवरिंग के नतीजे में जो हीट पैदा होती है आपकी बॉडी को वार्म ना करे, तो फिर तो आपकी बॉडी ठंडी हो जाएगी, आपका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, आप होम्योस्टेसिस की जो रेंज है टेम्परेचर की, उसमें से निकल के नीचे आ जाएंगे और आपकी डेथ हो जाएगी। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि जब शदीद सर्दी हो तो मोटरसाइकिल चलाएं तो हेलमेट पहने और साथ जैकेट पहने,
क्योंकि बावजूद इस बात के बॉडी जो है वो हीट जनरेट करती है शिवरिंग के नतीजे में, लेकिन वो इतनी भी नहीं होती कि आप बर्फानी इलाके में मोटरसाइकिल चलाएं तो आपकी बॉडी इतनी हीट प्रोड्यूस कर ले, वो थोड़ी बहुत करती है। तो इसलिए जितनी ज़्यादा जी सर, सर्दी बढ़ती जाए उतना लिबास अपना गर्म करते रहना चाहिए। तो जो गर्म लिबास है वो सही मानों में वो लंडे का होता है, क्योंकि वो ठंडे ग्लूकोज से आता है, और वो लोग जो है वो अपना 1-2 साल पहन के उसको छोड़ देते हैं, और हमारे यहाँ पे फिर लोग जो है वो उसको परचेज कर लेते हैं, बड़ा सस्ता मिल जाता है। जो कोट है वो 100-150-200 का कोट मिल जाता है, बड़ा शानदार, जो कि आप यहाँ से सिलवाएं तो वो तकरीबन है उसकी सिलाई सिलाई ही अकेली 5,000 की है, उसका कपड़ा लहरा। तो फिर जो जो टेलर है वो ऐसी गलतियां करते हैं कि बाद दफा एक बाजू छोटा, बाद दफा दूसरा छोटा, तो फिर वो कह लेंगे बड़ा मसला बनता है। तो बड़े बड़े शानदार किस्म के कोट या लिबास या जर्सियां वहां से मिल जाती है। तो हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को ना रेगुलेट करते हैं, इंसान बाकी एनिमल भी करते हैं। तो इसमें क्योंकि तो हम बात कर रहे हैं पानी की, वाटर ट्रांसफर हीट अबाउट 25 टाइम फास्टर देन एयर। पानी में हीट का जो है ना ट्रांसफर होना वो 25 गुना ज्यादा है। यानी अगर हम इधर टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में हैं तो हमारी बॉडी से जितनी हीट ट्रांसफर हो रही है, अगर हम पानी में होते तो 25 गुना ज्यादा तेजी से ट्रांसफर होनी थी, और हम तो सर्वाइव नहीं कर सकते थे वहां पे। विच मीन दैट एनिमल इज गोइंग टू लूज हीट ए लॉट फास्टर इन एन एक्वाटिक एनवायरनमेंट या टेरेस्ट्रियल वन। इन एक्वाटिक एनवायरनमेंट में हीट का लॉस टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की नस्बत 25 गुना ज्यादा है। तो उसको क्या करते हैं एनिमल, फिर कैसे बचते हैं? यहाँ एक मिसाल दीजिए, सी आटर की, ये आपको नजर आ रहा है ना, ये लिखा हुआ है सी आटर, ठीक है? ये क्या यस पिंजरा, जी सर, ये दो बच्चे हैं और ये चेल हुए हैं, और इन्होंने एक दूसरे के बाजू जो है ना वो उनमें क्रॉस लगाया हुआ है। ये इनकी एक अडाप्टेशन है प्रीडेटर्स से बचने के लिए, ताकि ये अपने आप को बड़ा दिखा सकें। दूसरा ये है कि ये सिंप होने से भी बचते हैं, जब अपने आप को एक दूसरे से ये अटैच कर लेते हैं। दो बच्चे जो है ना तो पानी के ऊपर तैर रहे हैं, और शदीद ठंड है, बर्फानी पानी है, तो ये कैसे इन्होंने ये अडाप्टेशन अख्तियार की, और ये कैसे अपने आप को इतनी शदीद सर्दी से बचा रहे हैं? तो असल जो मैकेनिज्म है वो ये है कि इनकी बॉडी के ऊपर थिक फर मौजूद है जो इनको वार्म रखती है कोल्ड वेदर में। फर इज नॉट जस्ट थिक, ना सिर्फ वो क्या है कि इनकी जो फर है वो इंटरलॉक एंड क्रिएट पॉकेट्स ऑफ।